हेलो दोस्तों, मेरा नाम शिवांश और आप देख रहे हैं ऑटो पार्ट्स इन्फो। तो हमारे पास ये स्विफ्ट गाड़ी आई हुई है। इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि आप देख सकते हैं ये जो हमारे इंडिकेटर की लाइट है वो ब्लिंक हो रही है लगातार। और अब हम जा रहे हैं, इस गाड़ी में इतना इशू ये होता है कि जब गाड़ी का जो पेयरिंग होती है मिसमैच हो जाती है तो उस कंडीशन में होती है। देख सकते हैं डोर ओपन करते हैं तो भी ये इस तरह से लाइट ब्लिंक हो रही है। उसमें क्या होती है, सेटिंग होती है, उसे करना रहता है। उसके लिए करना क्या होगा कि सबसे पहले हमें इग्निशन को ऑन करना है और फिर ऑफ करके बाहर निकाल लेना है। और ये करना हमारा डोर ओपन रहेगा तभी, और फिर जब ऑफ कर देंगे तो उसके बाद हमें डोर को बंद कर लेना है। और फिर क्या करना है, हमें इग्निशन को ऑन करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं अलार्म का बटन है, इसे एक बार दबाना है, फिर ऑफ करना है और फिर ऑन करना है, इसे दूसरी बार दबाना है, फिर ऑफ़ करना है, फिर ऑन करना है, तीसरी बार दबाना है, ऑफ़ करना है, फिर ऑन करना है, चौथी बार दबाना है, ऑफ़ करके ऑन करना है, पांचवी बार दबाना है, फिर ऑफ़ करके ऑन करेंगे, छठवीं बार दबाना है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा सायरन जो भी इंडिकेटर जो ब्लिंक हो रहा था वो बंद हो गया है। और अभी हम चाबी बाहर निकालेंगे तो अभी आप देख सकते हैं डोर ओपन करने पर कोई भी हमारा इंडिकेटर नहीं ब्लिंक हो रहा है। अभी आप देख सकते हैं मैं इग्निशन ऑन भी कर रहा हूँ तो हमारा, तो इसमें हम सिर्फ की प्रोग्रामिंग देख रहे हैं कि आप देख सकते हैं इस वाली चाबी से वर्किंग नहीं हो रही है और इस वाली चाबी से हमारी जो है ये वर्किंग हो रही है। तो इसके लिए करना क्या होगा, जो वर्किंग हो रही है उसको हम देखेंगे। तो पहले हमें डोर ओपन करना है और इग्निशन को करना है ऑन, फिर ऑफ, फिर डोर के स्विच को 1 2 3, फिर इसको करना है ऑन, फिर ऑफ, फिर लॉक बटन को 1 2 3, और फिर ये दूसरी चाबी जो हमारी है काम नहीं कर रही थी, इसको ऑन लगाना है, ऑफ करना है, फिर इसको 1 2 3। अब हम चेक करेंगे हमारी वर्किंग कर रही है, सही कर रही है। तो पहले इससे देखते हैं जो वर्किंग कर रही है और अब इससे देखते हैं हमारी वर्किंग नहीं कर रही है। तो ये हमारी वर्किंग नहीं कर रही तो फिर इसे हमें प्रोसेस को रिपीट करना होगा। पहले इसे भी करते हैं, इग्निशन ऑन और चाबी बाहर 1 2 3, चाबी ऑन ऑफ 1 2 3, और फिर ये चाबी ऑन फिर ऑफ फिर 1 2 3। तो भी आप देख सकते हैं ये हमारी इससे वर्किंग कर रही है और ये भी नहीं कर रही है जबकि पेयरिंग हम उसी से कर रहे हैं। ऑन ऑफ 1 2 3, ऑफ ऑन चाबी बाहर 1 2 3, और फिर इसे ऑन ऑफ 1 2 3 3, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं मल्टीपल वन मैंने की को प्रेस किया है तो अभी हो गया है, देख सकते हैं इससे भी लॉक अनलॉक हो रही है और इससे भी लॉक और अनलॉक हो रही है। आप देख सकते हैं इस चाबी से भी लॉक अनलॉक हो रही है और इस वाली चाबी से भी लॉक अनलॉक हो रही है। तो कभी कभी आपका जैसे वन टाइम में आपकी गाड़ी सेंट्रल लॉकिंग वर्किंग नहीं कर रही हो तो इस प्रोसेस को आपको मल्टीपल बार रिपीट करना होगा, तो इस तरह से आपकी ये चाबी काम करने लगेगी। तो अगर सिंगल टाइम में वर्क नहीं कर रही है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, प्रोसेस को आपको रिपीट करना है 3 से 4 बार और ये प्रॉब्लम आपकी रिजॉल्व हो जाएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑटो पार्ट्स इन्फो।